सब चेक हो गया, बस सिर्फ ये कैबिन बाकी है। ठीक है, जल्दी चेक करो। हाँ हाँ करता हूँ। चल यार भूख लगी हाँ, है। चलो चलते हैं। गलत कोड दब गया है, अब क्या करूं? ए रुक! कौन है वहां? अरे मैडम आप? वो उस तरफ भागा। जी अरे मैडम यहां तो कोई नहीं। मैडम कहां गई? शायद चली गई होंगी। मगर इतनी रात को मैडम कर क्या रही थी यहां पर? गुड मॉर्निंग कैप्टन, मुझे कुछ टेक्निकल फॉर्म्स भरने हैं, आपकी हेल्प चाहिए। हाँ क्यों नहीं। हाँ विधि, तब तक तुम सारे कंट्रोल चेक कर लो, मैं अभी आया। यस कैप्टन। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। देखो सनी, इस वक्त मैं तुमसे कोई बात नहीं कर सकती और इस तरह से नजरअंदाज भी नहीं कर सकती तुम, समझी? मुझे जानना है कि तुम मेरे साथ ऐसा कर क्यों रही हो। सनी समझने की कोशिश करो। मैं समझूं? और तुम? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हम तो हमेशा संभले हुए रहते हैं। क्यों? क्या करें यार, हमारा काम ही ऐसा। मन में चाहे हजारों दर्द हो, चेहरे पे मुस्कान तो होनी ही चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे हाँ, मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं इस एयरलाइंस का हेड जरूर हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई खास ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, और यही हमारा मोटो है। हमारे कस्टमर्स हमारे बॉस है। गुड गुड काया, तुम्हारी तो सैलरी बढ़नी चाहिए। थैंक यू सर। वाह काव्या, तो मुंह के भी चौका मार दिया है। नाइस, इंप्रेसिव। हाय मैम, थैंक यू। यस सर, मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? नहीं कुछ नहीं, वॉशरूम जाना था। सॉरी सर, फ्लाइट की उड़ान भरने के बाद।
सनी अब बहुत हो गया। हाँ अरे क्या बहुत हो गया भाई, अभी तो सब शुरू हुआ है। मैं 2 मिनट बाद आऊँ क्या? नहीं सर, सनी तो बस यूं ही। सब कुछ ठीक तो है ना विधि? यस कैप्टन, बस आपके कमांड का इंतजार है। हाँ तो बस ठीक है, टेक ऑफ करते हैं। नमस्कार, मैं कैप्टन राघव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। कुछ ही मिनटों में हम उड़ान भरेंगे। सभी यात्रियों से निवेदन है कि वे अपने निर्धारित स्थान पर बैठ जाएं और अपनी कुर्सी की भेटियां बांध लें और क्रू मेंबर्स उड़ान के लिए तैयार हो जाएं। धन्यवाद। विधि अब तुम रिलैक्स हो जाओ, हम प्रॉपर ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। अब मैं ब्रेक लेने वाला हूं तो मैं प्लेन तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूं। ओके ओके सर। यस कैप्टन। सोनिया अब मैं बाहर आ सकता हूं वॉशरूम ब्रेक के लिए? क्या बताऊं कैप्टन, वॉशरूम खाली ही नहीं हुआ। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे वॉशरूम जाना है। सॉरी कैप्टन, पर एक अजीब सा पैसेंजर पिछले 10-12 मिनट से वॉशरूम में घुसा हुआ है। मैं उस नॉक कर रही हूँ पर वो बाहर ही नहीं आ रहा। अच्छा देखो, पीछे वाला वॉशरूम खाली है क्या? हाँ लेकिन। कोई लेकिन वेकिन नहीं, मैं बाहर आ रहा हूँ। ओके सर। अचानक से मौसम बदल गया। हाँ थोड़ा झटका भी आया। विधि अकेली है, मैं जरा देखता हूँ। मैडम मैडम, विधि विधि मैम, विधि विधि मैम, विधि मैम, विधि ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? मैम, विधि मैम, विधि मैम, विधि विधि, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? विधि मैम, विधि भगवान, इन्हें भी अभी वॉशरूम जाना था। कुछ नहीं विधि। क्या हुआ कैप्टन, विधि दरवाजा नहीं खोल रही है? 6 मिनट में दरवाजा अपने आप खुल जाना चाहिए, अगर उसने फिर से अंदर से लॉक ना किया हो तो। कैप्टन, मैंने सैटेलाइट फोन से ग्राउंड स्टाफ से संपर्क भी किया लेकिन वो भी यही कह रहे हैं कि विधि मैम उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही। अभी सिर्फ 1.5 मिनट बचा। विधि मैम, प्लीज, विधि मैम, प्लीज, विधि मैम, प्लीज,
सर अब क्या होगा, विधि मैम तो दरवाजा ही नहीं खोल रहे। अरे विधि ये क्या कर रही हो तुम? कैप्टन आपने हम सबकी जान बचा ली। मुझे तो लग रहा था कि आज मेरा आखिरी दिन है, बट किसी की धुआं लग गया। विधि मैम, विधि मैम, विधि मैम, विधि मैम, ओह माय गॉड, विधि मैम, विधि, विधि मैम की तो मौत हो चुकी है। ओह माय गॉड, विधि मैम, विधि मैम, क्या हुआ? सर लगता है छोटे कैलिबर की गोली मारी गई है इसे। या फिर तेज धार वाली कोई नकली चीज छुपाई गई है इसके गर्दन में। जरा चेक करो कोई एक्सीडेंट है क्या? नहीं है सर। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, जब कोई कॉकपिट में था ही नहीं तो इसे मारा किसने? राघव को पता होगा, वो तो शुरू से इसके साथ कॉकपिट था। जरा देखो कुछ और मिलता है क्या। सर राघव, सबसे पहले आपने देखा विधि को मरा हुआ? यस यस सर। आपने किसी को कॉकपिट के अंदर जाते हुए या कॉकपिट से बाहर निकलते हुए देखा? नहीं सर, जब मैं अंदर गया तो अंदर कोई भी नहीं था। मगर ये कॉकपिट का दरवाजा तो अंदर से बंद होता है ना? यस यस सर, हम पायलट्स को इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं कि कॉकपिट का दरवाजा हम अंदर से ही बंद रखें। तो फिर आप अंदर कैसे घुसे? सर कॉकपिट के दरवाजे पे 6 मिनट का टाइमर सेट होता है, अगर कॉकपिट का पायलट उसे दोबारा लॉक ना करे तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ओ, इसका मतलब विधि मर चुकी थी, इसलिए 6 मिनट के बाद दरवाजा अपने आप खुल गया। यस यस सर, जब मैं अंदर गया तो विधि पहले से ही अपनी सीट पर मरी पड़ी थी। सर ये कहीं आतंकवादी हमला तो नहीं था? जांच चल रही है, बहुत जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा। इसका घाव देखकर लगता है कि गोली या फिर जो भी कुछ इसे मारा गया है वो सामने वाली खिड़की से आई है। पर कैसे, कॉकपिट में तो कोई था ही नहीं। यस मैम, और रुकती हुई फ्लाइट में कोई भी बाहर से निशाना लगा नहीं सकता। वही तो, देखो ग्लास भी बिल्कुल ठीक ठाक है, कहीं से टूटा नहीं है। मैम मैंने सारा इंस्ट्रूमेंट पैनल एंड कॉकपिट चेक कर लिया मगर कहीं भी कुछ नहीं मिला। एक बार फिर से चेक करो। सोनिया, राघव के बाहर आने के बाद तुमने किसी और को कॉकपिट के अंदर जाते हुए देखा था? नो सर। बता सर। नहीं सर। सोनिया जी, जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त आप कहाँ पे थे? सर मैं पीछे वाले वॉशरूम में थी जहाँ राघव गए थे। पिछले वाले, आप वहाँ कितनी देर तक थे? करीब 2-3 मिनट के लिए सर। हो सकता है इन 2-3 मिनट में कोई कॉकपिट में गया हो और विधि को मारकर चुपके से निकल गया। हाँ शायद ऐसा ही हुआ होगा। मिस्टर राघव, आप पीछे वाले वॉशरूम में क्यों गए थे जबकि कॉकपिट के बगल में वॉशरूम है? सर एक्चुअली एक पैसेंजर 10 मिनट से आगे वाले वॉशरूम में गया हुआ था, मैं उसको बोलती रही बाहर निकलने के लिए लेकिन वो बाहर निकला ही नहीं, इसलिए राघव को पीछे वाले वॉशरूम में जाना पड़ा। सर ये आगे वाला वॉशरूम कॉकपिट के बिल्कुल पास में है, हो सकता है जो पैसेंजर वॉशरूम में था उसी ने विधि को मारा हो।
कौन है ये पैसेंजर, नाम क्या उसका? सर एंडी, उसका सीट नंबर है 37B. 37B. Excuse me. 37. एंडी? यस सर. इधर आओ. क्या हुआ सर? जरा आओ, कुछ बात करनी है. अरे ये बताओ, कॉकपिट के बगल वाले वॉशरूम में तुम 10 मिनट से ज्यादा तक क्या कर रहे थे? सर, सर मेरा पेट खराब था सर. पेट खराब था तो दवाई तो ली होगी ना? देखो सर. सर दवाई तो नहीं सर. एंडी, पेट खराब होने से आंखें लाल नहीं होती और ये हाथ ऐसे कांपते नहीं है. सर वो तो सर नींद नहीं उसके लिए. नहीं, ये ड्रग्स लेने का नतीजा है. नहीं सर, ऐसा तो है, ऐसा तो कुछ भी नहीं सर. तलाशी लो, उसको जेब चेक करो और बैग भी चेक करो. सर सर कुछ भी नहीं मेरे पास सर. चुप खड़े रहो. ले सर. सर ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ सर? कुछ नहीं किया मैंने सर. ये देखिए सर, ड्रग्स लिए घूम रहे हैं बैग में. सर पता नहीं सर किसने रख दिया सर, मेरा नहीं है. सच सच बता, पायलट राघव के कॉकपिट से बाहर आने के बाद तू अंदर गया था ना उस दूसरी पायलट विधि का खून करने के लिए? नहीं सर, सर ड्रग्स जरूर लेता हूँ सर, पर मैंने किसी का खून नहीं करा सर. सर मैं क्यों मारूंगा पायलट को सर? कितनी देर के बाद तू बाहर आया था वॉशरूम से? सर 10 मिनट था सर, फ्लाइट अटेंडेंट दरवाजा लॉक कर रही थी तो मैं बाहर नहीं निकला और जैसे ही खटखटाना बंद हो गया बस उसके थोड़ी देर बाद सर बाहर आ गया था सर. जब तू वॉशरूम से बाहर आया उस वक्त किसी को देखा था कॉकपिट के अंदर जाते हुए या बाहर निकलते हुए? नहीं सर, दरवाजा बंद था जैसे मैंने बताया सर, बाकी कुछ नहीं देखा. ठीक है, जाओ सीट पे बैठो. थैंक यू सर. सर इस एयरलाइंस के सीईओ होने के नाते यह हमारी इज्जत का सवाल है. इस हादसे से हमारे बिजनेस पर एक खासा असर पड़ सकता है. सर मुझे बड़ी चिंता है इस बात की. मिस्टर विजय आप घबराइए मत, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, बहुत जल्द सब कुछ साफ हो जाएगा. आप अपनी सीट पे बैठिए. मुझे CID पर पूरा भरोसा है सर, वो मुजरिम को जल्दी पकड़ लेगी. शुक्रिया. प्लीज. ओके सर. सर अगर ये हिलता डुलता एंडी कॉकपिट के अंदर नहीं गया ना, इसने कॉकपिट के अंदर किसी को आते जाते देखा, तो फिर हो कौन सकता है जिसने विधि को मारा? इस सब का जवाब शायद कॉकपिट से ही मिलेगा. हाँ मयूर, कुछ पता चला? नहीं सर. और सर ऐसा कोई भी हथियार नहीं मिला जिससे इसका खून हो सके. ये क्या? खून? सर विधि की बॉडी का एंगल देख के लग नहीं रहा यह खून विधि का है. सर हो सकता है यह खून खूनी का. विधि का भी हो सकता है. खूनी ने जब उस नुकीले हथियार से विधि के गर्दन में ऐसे वार किया, वापस निकालते समय शायद खून का छींटा यहाँ गिर गया होगा. और अगर खून खूनी का है तो वो जख्मी है और इन पैसेंजर्स में से कोई है. एक काम करो, सैंपल्स उठा लो और चेक भिजवा दो. सर सर एक और चीज, सर ये देखिए. सर हो सकता है पायलट्स के आने से पहले ही इसमें कोई छिप गया हो और विधि का खून करके पैसेंजर्स में शामिल हो गया. इसका मतलब एक पैसेंजर अभी ज्यादा होना चाहिए. यस सर. एक काम करते हैं, पैसेंजर लिस्ट चेक करते हैं, देखते हैं कि उड़ान भरते वक्त कितनी सीट्स खाली थी और वो सीट्स अभी भी खाली है या नहीं. मयूर इस लाश को फॉरेंसिक लैब भिजवा दो.
सर, चार्ट के मुताबिक जो सीट्स पहले खाली थी वो अभी भी खाली हैं सर। तो मतलब इस फ्लाइट में कोई एक्स्ट्रा पैसेंजर्स नहीं है? सर एक बात समझ में नहीं आ रही कि विधि को कोई क्यों मारना चाहता था, आखिर चाहता क्या था मुझे? सर हो सकता है ये मुजरिम इस पायलट को मार के प्लेन को क्रैश करना चाह रहा हो। नहीं, मुझे लगता तो नहीं है। फिर क्या वजह हो सकती है सर? इसी बात का जवाब ढूंढना है। अगर वो आदमी प्लेन को क्रैश कराना चाहता था वो तो वो दोनों पायलट्स को मारता है। पर सर शायद इसकी जरूरत ही ना पड़ी हो मुजरिम को, क्योंकि सर कॉकपिट में पहले से एक पायलट बंद था जो प्लेन को संभाल रहा था। सर मुजरिम के लिए उसी को मारना काफी होता, राघव तो उस वक्त बाहर था सर। जो आदमी इस प्लेन को क्रैश कराने की साजिश रचेगा उसे ये बात तो मालूम ही होगी कि इस कॉकपिट के दरवाजे में 6 मिनट का टाइमर लगा हुआ है, और इस पायलट राघव का ये प्लेन को बचाना कोई संयोग तो नहीं हो सकता। सर मतलब मुजरिम जानता था कि प्लेन को बचा लिया जाएगा? या मुजरिम प्लेन उड़ाना जानता हूं? ये मुजरिम और इस पायलट विधि का जरूर कोई ना कोई निजी मामला है। सारे क्रू मेंबर से फिर से पूछताछ करते हैं। आप लोग विधि के बारे में कुछ बता सकते हैं? उसके किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह? सर उनका बर्ताव सबसे ही बहुत अच्छा था, उन्हें कोई क्यों मारना चाहेगा? सर विधि ने आज तक किसी के साथ इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, तो मुझे तो नहीं लगता उसकी किसी के साथ दुश्मनी होगी। यस सर, विधि तो बहुत जिम्मेदार एम्प्लॉय थी। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर। हाँ बोलिए। आज सुबह जब मैं कॉकपिट में आया तो विधि और फ्लाइट अटेंडेंट सनी उन दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी हो रही थी। कैसी कहा सुनी? किस बारे में बहस कर रहे थे ये तो मैं नहीं सुन पाया, क्योंकि जब तक मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे देख के वो चुप हो गए थे। सर वैसे विधि और सनी एक दूसरे से प्यार करते थे। तो ये प्यार मोहब्बत का चक्कर है, कहा सुनी तो हुई होगी। सनी का सनी क्या बात है सर? नहीं, फ्लाइट की पूरी स्टाफ हमारे साथ थी, तुम साथ में थे नहीं तो तुमसे मिलने चले आए। सर सुबह से जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वैसे ही हम लोग इतने परेशान, और आपने हमें यहाँ फंसा कर रखा हो। जांच पूरी हो जाए फिर चले जाना। वैसे सर कब तक पूरी होगी आपकी ये जांच? हमारे कुछ सवालों के जवाब मिल जाए, विधि के खूनी के बारे में पता चल जाए, समझो जांच पूरी। तब तक तो रुकना ही पड़ेगा। और हमारे कुछ सवालों के जवाब भी देने होंगे। क्या आप लोग मुझसे भी सवाल करेंगे? हाँ। मुझे क्या पूछना चाहते हैं? ये बताओ कि आज सुबह विधि के साथ तुम्हारी किस बात को लेकर बहस हुई थी? मेरी उनके साथ कोई बहस नहीं हुई सर, वो मेरी सीनियर थी और मैं उनकी रिस्पेक्ट करता था। और तुम दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते थे? नहीं सर, ये सब अफवाह है और मैं नहीं जानता कि ये सब कौन फैला रहा है। और ये क्या रखा रहते ऊपर? प्लेट, इस पे खून लगा है? मैंने कुछ नहीं किया सर, ये मेरा नहीं सर। तुमने मारा ना विधि को? नहीं सर। हाँ? मैंने कुछ नहीं किया सर। कौन? क्यों मारा विधि को? मैंने नहीं मारा सर विधि को, मैं सचमुच उससे प्यार करता था सर। वाह, मार खाया तो सच बोलने लगे। अब ये बता ये चाकू पे ये खून किसका है? विधि का? हाँ? नहीं सर, चाकू मेरा जरूर है, इस पर खून विधि का नहीं है सर। फिर किसका है? खून मेरा है सर। देखिए
पहले विधि का खून किया, तो अपने आप को बचाने के लिए विधि का नाम लिख लिया। मैं बताता हूँ सर, ये चाकू पर ये खून कैसे और क्यों आया? विधि, तुम पतल चुकी हो, तुम मुझे नजरअंदाज कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बेवजह राई का पहाड़ बना रहे हो। विधि, हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है और मुझे लगता है कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर ही नहीं है। अगर तुम्हारा बर्ताव ऐसा ही रहा तो मुझे सच में ये रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। विधि, मेरा मानना ये, जो रिश्ते एक बार बन जाते हैं ना, वो मरते दम तक नहीं टूटते। ये तो मुझे मारोगे? सनी, अब बहुत हो गया। हाँ मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। इस चाकू पे लगा खून साबित करेगा कि तू सच बोल रहा है या ये ड्रामा कर रहा है। असरण के, विधि की लाश से क्या पता चला? बॉस, विधि के खून में हमें एक बहुत ही खतरनाक जहर के ट्रेसेस मिले, जिसका नाम है मेनजेनिजाइटिस। शरीर में जाते ही बस कुछ ही सेकंड्स में इस जहर ने विधि की जान ले ली। तो क्या चाकू के ऊपर जहर था? नहीं, जहर चाकू पर नहीं था। और बॉस, चाकू पर जो खून लगा हुआ था वो भी विधि का नहीं था। मतलब खून सनी का ही था। तो फिर विधि के शरीर में जहर आया कहां से? मैं बताता हूं जहर कैसे गया। बस ये देखो बॉस, ये है वो चीज जिसके जरिए इसकी बॉडी में जहर गया है। ये सुई जैसी चीज है? हाँ बॉस, ये सुई जैसी चीज इसके गले में विंड पाइप को चीरती हुई सीधी रीढ़ की हड्डी में जाकर के अटकी। तो फिर ये जिसने भी किया है हाथ से नहीं किया है, किसी गन जैसे मैकेनिज्म से ही हो सकता है ये। और सर, जिस एंगल से ये सुई घुसी है, नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसा लगता है कि ये सुई विधि के पांव के पास से चली होगी। पांव की तरफ से, नीचे से ऊपर की तरफ, तो फिर खूनी वहीं पर बैठना चाहिए था। और अगर खूनी उस कॉकपिट के अंदर था तो फिर वो बाहर भागा कैसे? कॉकपिट तो अंदर से बंद था। एक बात और सर, खूनी ने राघव के कॉकपिट से निकलने का इंतजार किया, उसके बाद विधि का खून किया। मौके की तलाश में सचिन, मौके की तलाश में। जैसे ही राघव कॉकपिट से बाहर निकला, खूनी ने अपना काम कर लिया। ये राघव मुझे गड़बड़ लगता है, गड़बड़ लगता है मुझे ये राघव। सर, अपूर्वी, क्या पता चला पैसेंजर और क्रू के बारे में? सर ये देखिए, राघव का रिकॉर्ड, फ्लाइट टेक ऑफ के आधे घंटे पहले उसे किसी मिस्टीरियस नंबर से मैसेज आया था, और फिर उसी नंबर से 20 कॉल्स भी आए थे। 20 कॉल्स। और सर, राघव ने उसी नंबर पे मैसेजेस और एमएमएस भी भेजा है। हाँ, रिप्लाई भेजा है उसने, रिप्लाई। पूर्वी, इस नंबर के बारे में कुछ चेक किया? किसका नंबर है ये? सर ये नया नंबर है और इसकी सारी इंफॉर्मेशन जाली है। नया नंबर और सारी इंफॉर्मेशन जाली है। सचिन, मैं कह रहा हूं ना, ये राघव गड़बड़ है। इस राघव को मिलना पड़ेगा और फिर उस कॉकपिट में जाकर फिर से देखना पड़ेगा। कुछ तो बात है जो हमसे छूटी है वहां पर। क्या हुआ? कुछ नहीं।
राघव, अब तो उन्होंने हमें और हमारे ऋषि को छोड़ दिया है ना, तो फिर तुम अब क्यों परेशान हो? तुम नहीं समझोगे नम्रता, कौन थे वो लोग? हाँ, और उन्होंने मुझे और हमारे ऋषि को क्यों किडनैप किया था बताओ? और फिर उन्होंने हमें छोड़ दिया? इस बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ नम्रता, पर जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। क्यों राघव, क्या किया है तुमने? मैंने नम्रता, मैंने धोखा दिया है विधि को। मैं देखती हूँ। जी आप लोग? सीआईडी, मिस्टर राघव से मिलना है। जी क्या काम है? कुछ पूछताछ करनी। राघव जी है ना घर पे? हाँ है, आइए आइए मैं मिलवाती हूँ। आइए सर। राघव, हम लोग सीआईडी से हैं, डरने की जरूरत नहीं है, दरवाजा खोलो। राघव, हम लोग सीआईडी से हैं, डरने की जरूरत नहीं है, दरवाजा खोलो। तो खुशी कर रहा है। राघव, बात सुनो मेरी। राघव, क्या कर रहे हो? राघव, क्यों बचा रहे आपने मुझे? राघव, बात सुनो मेरी। मर जाएगी सब लोग, क्यों बचा? राघव, मर जाएगी सब लोग। राघव, शांत हो जाओ। बताओ कौन इन सब के पीछे है? मुझे नहीं पता, मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया था और मैं अनजान कॉल नहीं उठाता हूँ, और इसीलिए मैंने वो कॉल भी नहीं उठाया। फिर तुम्हें एक एमएमएस आया? हाँ। क्या था उस एमएमएस में? उसने मुझे ये एमएमएस भेजा। मेरी बीवी और बच्चा उनके कब्जे में थे। कोई तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था, मगर क्यों? उस अनजान आदमी ने मुझे धमकी भी दी थी कि अगर मैं अपने बीवी और बच्चों से प्यार करता हूँ तो सही समय पर कॉकपिट से 10 मिनट के लिए बाहर आ जाऊं। तो तुमने सीआईडी को क्यों नहीं बताया? मैं प्लेन में था और प्लेन कुछ ही देर में टेक ऑफ करने वाला था। अपनी बीवी बच्चे और बच्चे को बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। सर, एक पायलट को मारने के लिए कोई इतना कुछ क्यों करेगा? हो कौन सकता है? जिस नंबर से इसे एमएमएस आए हैं, पता करो बंद होने से पहले इसकी आखिरी लोकेशन कहां थी। सर, ये देखिए सर, ये कूलिंग डिवाइस है सर, जो इस पैनल को ठंडा रखने का काम करता है सर। इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? ये देखिए, इसमें एक एक्स्ट्रा वायर लगा हुआ है। सर, निकालो सर। जी सर, अभी निकालता हूँ। इसमें कुछ गड़बड़ है। सही रहा। गैप से वो जहरीली सुई निकली और सीधे विधि के गले में जाके लगी। बेचारे ने सीट पर ही दम तोड़ दिया। अच्छा, इसमें कोई टाइमर डिवाइस लगा है क्या, वो नीडल को शूट करने के लिए? जी नहीं सर, इसमें एक लो इंटेंसिटी इंफ्रारेड सेंसर है सर, जो रिमोट में होता है सर। इसका मतलब इस रिग को ट्रिगर करने के लिए किसी रिमोट का इस्तेमाल किया गया है? जी मैम, और उसकी रेंज 100 मीटर के अंदर ही है।
और वो रिमोट इस प्लेन के अंदर ही ऑपरेट हुआ होगा, बाहर नहीं। मतलब कोई रिमोट कंट्रोल के साथ प्लेन में बैठा है। सर, प्लेन में इतने सारे पैसेंजर्स हैं, किसने ट्रिगर किया होगा ये? सारे पैसेंजर्स को ब्यूरो बुलवाओ, एक एक से अलग अलग पूछताछ करते हैं। सर, आखिरी कॉल इसी ऑफिस से किया गया था। देखते हैं। एक्सक्यूज मी, सीआईडी, आप लोगों से कुछ पूछताछ करनी थी। जी सर। बोलिए सर, मैं इस ऑफिस का मैनेजर हूँ। आज सुबह 7 बजे इस ऑफिस में कौन कौन था बता सकते हैं? एक मिनट सर। क्या बात है सर? आपके प्लेन में जो हादसा हुआ है उसी की जांच पड़ताल चल रही है। हाँ सर, एक के बाद एक हादसे होते जा रहे हैं। क्या? कुछ और भी हुआ क्या? सर, कल रात में ऑफिस में चोरी भी हुई थी। चोरी? हाँ सर, सेफ में काफी सारा कैश और करोड़ों के बॉन्ड्स थे। वो तो अच्छा हुआ कि अलार्म बज गया, वो सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जा पाया। कैसे डॉक्यूमेंट्स? एयरलाइन की इंटरनल ऑडिट फाइल और DGCA फाइल थी सिर्फ, जिसमें एक साल पहले हुए प्लेन क्रैश की इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट थी। ओ, एक साल पहले जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें तो काफी लोग मारे गए थे। हाँ सर, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, हमारे क्रू मेंबर्स भी मारे गए थे और हमारा पायलट अमित वो भी मारा गया था, उसी हादसे की उसमें रिपोर्ट थी। चोर पकड़ा गया? नहीं सर, विधि जी ने ही चोर को उस तरफ से भागते हुए देखा था। अब उधर से तो कोई रास्ता ही नहीं है सर, कैसे चोर भागा पता नहीं सर। तो वो चोर विधि ही थी, उसने वो डॉक्यूमेंट चुराए और चोरी का हंगामा मचा दिया। सर, लिस्ट रेडी है। उसकी अब कोई जरूरत नहीं है। अच्छा मैम, ये बताइए कि आपके आसपास जो भी पैसेंजर्स बैठे हुए थे उनमें से किसी पे शक है आपको? एक्चुअली हाँ, मेरे बगल में एक औरत बैठी थी, वो मुझे कुछ अजीब सी लगी। क्या अजीब लगा आपको? क्या उसके हाथ में कोई रिमोट था या फिर वैसी कोई चीज? हाँ मैडम, एक लड़का था वहाँ पर जो मोबाइल में गेम खेल रहा था और बार बार अपनी सीट पर उछल रहा था। मुझे तो लगता है जो कुछ भी हुआ है उसी की वजह से और उसी ने किया। कैसे? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं था, मगर उसके नाखून बड़े बड़े थे और वो बार बार अपने नाखूनों को देख रही थी, फिर मुझसे पूछती है आपकी उम्र क्या है। तो? अरे भला कोई अपनी असली उम्र बताता है ना, अजीब सी बात। मेरा तो सब कुछ छीन लिया उस खोरी ने। काश, काश कि मैंने उसे देखा होता सर, मैं उसे उसी वक्त खत्म कर देता। मैं जितना जानता उतना आपको बता चुका, अगर मुझे पता होता कि ये सब होने वाला है तो मैं कभी उस फ्लाइट में बैठता ही नहीं। सर, हमारी तो अभी भी शादी हुई है, हम तो आपस में ही खोए हुए थे। हाँ जी सर, आपस में बात कर रहे थे और अपने फोन से सेल्फी ले रहे थे। हमारा ध्यान तो तब गया जब फ्लाइट ने जर्क लिया सर। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। जी सर, थैंक यू। एक मिनट। हाँ सर। जी सर, आप लोगों ने जो फोटोज खींची थी वो मैं देख सकता हूँ? हाँ सर, क्यों नहीं सर। हाँ जी, ये लीजिए। ये देखिए सर, दो पैसेंजर्स के बीच में एक हाथ है, उस हाथ में कुछ है। सर जी, जरा जूम करो सर, ये तो रिमोट ट्रिगर है। हाँ सर, लेकिन पैसेंजर तो दिख नहीं रहा। पूर्वी, ये दो पैसेंजर्स के सीट नंबर्स तो हैं, पता चलेगा ना पीछे कौन बैठा है। सर, ये ऋषभ और प्रिया 30A 30B पे बैठे थे। सचिन, ये देखो इस फोटो को, फोटो ऐसे इस एंगल से खींचा गया है तो इन दोनों के बीच में दिखती है सीट नंबर 31A, जिसका भी हाथ है वो 31A वाला पैसेंजर का है। 31A पे कौन है देखो? मिस्टर अनुपम, उठाओ इस अनुपम को। हमें अनुपम से मिलना है। कौन? हमारा प्यून। प्यून है वो? कहाँ है वो? जी अभी मैंने उसे एक फाइल दी है सेकंड फ्लोर पे केबिन में देने के लिए। हाँ हाँ, अरे डार्लिंग मैं आ जाऊंगा।
अरे डार्लिंग से बाद में मिलना, पहले हमसे मिल लो अनुपम जी। कहाँ भाग रहे इतना जल्दी? हाँ बस बहुत उड़ लिया। कहाँ जा रहा था प्लेन? मैं अपने परिवार वालों से मिलने जा रहा था। प्लेन से? इतने पैसे थे तुम्हारे पास? बचा के रखे थे मैंने पैसे। बचा के रखे थे? हाँ, प्लेन में जाओगे, रिमोट लेके, रिमोट का ट्रिगर दबाओगे, बहुत पैसे बचाओगे, है ना? क्या क्या मतलब? तुम अच्छे से जानते हो मतलब क्या है। क्यों मारा विधि को? सब सब मैं कसम खा के बोलता हूँ, मैंने नहीं मारा विधि मैम को। देखो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपना ये नाटक बंद कर दो। हमें तुम्हारी करतूतों के बारे में पता है। राघव को SMS भेजा था धमकी भरे, है? उसके बीवी बच्चों को बंधक बनाया था, MMS बना के भेजा यहाँ से। क्यों? सब मुझे पैसे मिले थे साहब SMS भेजने के लिए, जहाज में रिमोट दबाने के लिए, पर मुझे नहीं पता था साहब कि कोई मर जाएगा। किसने दिए थे पैसे? खत्म हो गया तुम्हारा विजय। कैसा खेल? मैं कुछ समझा नहीं। अपनी पायलट विधि का खून करवाया तुमने। मैंने? मैं भला ऐसा क्यों करवाऊंगा? मैं तो खुद उस फ्लाइट में जा रहा था और मैं भी तो मर सकता था। यही तो तुम्हारी चाल थी, ताकि किसी को तुम पे शक ना हो। और इस काम में तुम्हारा साथ दिया तुम्हारे एम्प्लॉय अनुपम ने। भाग रहे हैं? क्यों खून करवाया तुमने विधि का? सर, एक साल पहले हमारी एयरलाइंस का एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था और हमने साबित कर दिया था कि वो क्रैश पायलट अमित की लापरवाही की वजह से हुआ था। लेकिन अमित विधि का दोस्त था और विधि इस बात की सच्चाई को मीडिया के सामने लाना चाहती थी। सर, कैसी सच्चाई का खुलासा करने वाली थी? सर, वो प्लेन क्रैश हमारे एयरक्राफ्ट में खराबी की वजह से क्रैश हुआ था और हमारी तकनीकी टीम ने चेतावनी भी दे दी थी हमें कि इसमें सुधार किए बिना इसे न उड़ाया जाए। और इससे पहले कि विधि दुनिया के सामने ये सच्चाई लाती, तुमने खून करा दिया उसका। सर, जब हमें पता चला
कि विधि ने वो डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए। तो मैं डर गया था कि विधि कहीं मीडिया के सामने इसका खुलासा न कर दे, और मैं सच्चाई छुपाने के जुर्म में कहीं फंस ना जाऊं। सर, तुमने ये कैसे जाना कि वो डॉक्यूमेंट्स विधि ने चुराए? वो कई दिनों से हमारे दूसरे साथी स्टाफ से पूछताछ कर रही थी इसके बारे में, और मुझे इस बात का पता चल चुका था। अब जेल जाने की तैयारी करो। प्लेन क्रैश की सच्चाई छुपाने और विधि के खून करने के जुर्म में शायद फांसी होगी तुम्हें। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।